शिलाजीत को कैसे पहचाने कि ये असली है या नकली है। ये वीडियो मैं उन सब होम रेमेडीज के लिए बना रही हूँ जो आप घर पे कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए जो मैं शिलाजीत ले रहा हूँ वो सही है या गलत है। शिलाजीत यूजली आपकी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, आपके कहीं ना कहीं वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, हर चीज के लिए बहुत अच्छा है। शिलाजीत लोग लेते भी हैं और कहीं से भी ले लेते हैं, चेक नहीं करते हैं ये सही है या गलत है। बहुत बार आप पागल बनते हो। डिटेल में देखेंगे कैसे आप घर पे टेस्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा शिलाजीत ठीक है या नहीं है। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज इस वीडियो में बताऊंगी कि शिलाजीत को घर पे कैसे टेस्ट करें ताकि आप पागल ना बने। वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए हम बात कर रहे थे हाउ टू टेस्ट शिलाजीत एट होम। सबसे पहले जानेंगे कि कौन सा शिलाजीत सही होता है। शिलाजीत यूजली रॉकी फॉर्म में मिलता है जो कि बहुत ही दुर्लभ चीज है। ऐसा नहीं है कि उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और कहीं से भी मिल जाएगा। प्योर हिमालयन शिलाजीत लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और बहुत ज्यादा रेक्टिफाई और प्योरीफाई करके बनाया जाता है। शिलाजीत आपको टैबलेट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में बहुत आसानी से मिल जाता है जो कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। सबसे मेन क्वांटिटी इसमें होती है चारकोल की या कुछ ऐसे हर्बल एक्सट्रैक्ट की जो आपको पता नहीं चलेगी। वो फिलर के रूप में यूज हो रही है जिससे उसका कलर डार्क आ जाए या ब्लैक जैसा आ जाए, जबकि वो ओरिजिनल शिलाजीत नहीं है। शिलाजीत अगर आप ओरिजिनल या बेटर क्वांटिटी में लेना चाहते हैं तो हमेशा उसको जो हम बोलते हैं ना रॉक सॉलिड फॉर्म में लो, जो कि ग्लॉसी होता है, देखने में थोड़ा चमकदार सा होता है। और शिलाजीत की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है ना कि आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो। जो उसका सबसे बड़ा टेस्ट होता है वो है टेम्परेचर टेस्ट। मतलब शिलाजीत ऐसा है कि अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो ये यहां भी सर्वाइव कर लेगा। आप इसको फ्रिज में रखोगे तो भी वो इतना सॉलिड हो जाएगा कि मे बी आप उसे पत्थर मारेंगे तो टूट जाएगा। अगर आप उसको थोड़ा गर्म टेम्परेचर देते हो तो वो पिघलने जैसा लग जाएगा और ये तार के फॉर्म में हो जाएगा। मतलब पिघालोगे तो वो ऐसे तार की तरह स्ट्रिंग्स बनाने लग जाएगा। तो शिलाजीत की बेस्ट क्वालिटी है कि जैसा आप उसने उसको टेम्परेचर दिया वो वैसे ही अपनी शक्ल में चला जाता है। और अगर ऐसा आपके शिलाजीत के साथ हो रहा है तो डेफिनेटली वो एक अच्छी क्वालिटी का शिलाजीत है। दूसरी अगर मैं इसकी टेस्ट की बात करूं तो वो है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। ये आप बहुत आसानी से घर पे कर सकते हो। अगर आप शिलाजीत को थोड़ा सा लेके पानी में घोलने की कोशिश करो तो आप देखोगे कि वो 5 से 4 मिनट में धीरे 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 पूरा घुल जाता है। कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा, कोई बीच में हम बोलते हैं ना मिट्टी के कण या नहीं छोड़ेगा, प्रॉपरली डिजॉल्व हो जाता है और पानी का कलर आप देखोगे ब्लैक या ब्राउनिश कलर का होने लगेगा। अगर आप थोड़ा गुनगुना पानी लेते हो, जैसे हम दूध में हम इसको लेने के लिए आपको बोलते हैं, गर्म पानी में लेने के लिए बोलते हैं, जो जिम वाले हैं उसको ग्रीन कॉफी में लेते हैं या ब्लैक कॉफी में लेते हैं, उसमें भी बेटर ये है कि आप इसको धीरे धीरे घोलेंगे तो वो बिल्कुल पूरा डिजॉल्व हो जाएगा और उसका जो कलर है वो ब्राउनिश सा आ सकता है। ये इसका सॉल्युबिलिटी टेस्ट है। कई लोग ये सॉल्युबिलिटी टेस्ट आप अल्कोहल में भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा वोडका ले लेते हो और उसके अंदर आप शिलाजीत डालते हो तो आप देखोगे कि वो घुल नहीं रहा है। वो मे बी 4-5 टुकड़ों में अलग हो गया लेकिन वो घुलता नहीं है। शिलाजीत, ओरिजिनल शिलाजीत कभी भी अल्कोहल में या फिर वोडका में नहीं घुलेगा। अब हम अगले टेस्ट की बात करते हैं तो वो होता है फ्लेम टेस्ट। ये भी बहुत आसान है। अगर आप छोटा सा शिलाजीत उसका थोड़ा पत्थर फॉर्म में लेके गैस पे रखने की कोशिश करोगे तो शिलाजीत से कभी भी धुआं नहीं आता है। जो अच्छा शिलाजीत है वो धुआं नहीं देता। वो मे बी पतले तार के जैसे, जैसे हम बोल रहे हैं गर्मी से तार हो जाता है तो तार के जैसा कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जल गया और राख जैसा कन्वर्ट हो गया है, ऐसा कभी नहीं होता है। शिलाजीत फ्लेम टेस्ट इसकी सबसे बड़ी निशानी है जो आप इसे चेक कर सकते हो। ये सब आप टेस्ट घर पे करें अपने शिलाजीत को यूज करने से पहले। अब मैं बात करूंगी कि एक अच्छे शिलाजीत की पहचान यहाँ हो गई है। आपको समझना है कि मेरे को पाउडर में या टैबलेट फॉर्म का शिलाजीत प्रेफर नहीं करना है क्योंकि उसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, वो सस्ता पड़ सकता है आपको, आपको लगे यार ये तो अच्छा है मैं ले रहा हूँ, बट डेफिनेटली वो रेकमेंडेड नहीं होता। शिलाजीत के अंदर होता है फ्लूविक एसिड जो कि हेल्प करता है आपके बोन्स, आपके जॉइंट लाइफ, आपके हार्ट, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस, फिजिकल हेल्थ, सबको बेटर करता है। ये बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाए हैं। बहुत जल्दी और वीडियो लेकर आऊंगी, तब तक चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऐसे वीडियोस के लिए आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मेरा हैंडल है डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।